तकरीबन पिछले दो साल में कोविड के चलते हज जितने पैमाने पर होता है उतने पैमाने पर हुआ नहीं। इस साल जो है डेफिनेटली कुछ एक मुल्कों में अभी भी कोविड है, लेकिन थोड़ी सी उसमें रिलीफ मिली है, उसे चलते सऊदी अरेबिया से जो कोटा मिला है उस हिसाब से तकरीबन 6,000 के करीब हाजीज यहाँ से हज करने के लिए इस साल जाएंगे। उसमें 5,400 के करीब जो है हमारे कश्मीर से रहेंगे और दूसरे जो है जम्मू या लद्दाख खित्तों से भी जो लोग यहाँ आएंगे वो यहाँ से जाएंगे। हर दिन 2 या 3 फ्लाइट्स यहाँ से जाएगी। उसका शेड्यूल जो है 5 तारीख से शुरू हो रहा है, तकरीबन 15 दिन के लिए वो चलेगा जाने का, और फिर उसके बाद जो तयशुदा दिन रहते हैं वो होने के बाद वापसी का शेड्यूल जो है वो आ जाएगा। यहाँ हज हाउस में जो इंतज़ाम रहते हैं उन इंतज़ाम की देखने के लिए मैंने तकरीबन 2 हफ्ता पहले एक मीटिंग ली थी और आज यहाँ आकर के हर एक स्टेप्स को मैंने खुद देखा है ताकि यात्रियों को डिफ़िकल्टी ना हो। इस साल कोविड है तो कोविड के चलते जो डिपार्चर डे है उससे 72 आवर्स पहले, फ्लाइट का जो टाइम है उससे 72 आवर्स पहले उन्होंने कोविड का RT-PCR टेस्ट भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ यही नज़दीक हमारा जो JVC कॉलेज है स्कीम्स का बेमिना में मेडिकल कॉलेज, वहाँ वो टेस्टिंग हो जाएगी। और जो लोग जो है हज पर जाना जा रहे हैं वो अपने तयशुदा दिन पर जो फ्लाइट का शेड्यूल है उससे 4-4.5 घंटे पहले आ जाएंगे। जो यहाँ फॉर्मेलिटीज़ होती है डिपार्चर्स की वह सब फॉर्मेलिटीज़ करके हम उनको बड़े ही आराम से यहाँ से हज पर भेजेंगे। जो जम्मू खित्ते से और लद्दाख से जो यात्री आते हैं वो 3 दिन पहले आते हैं, उनका रुकने का जो हम अरेंजमेंट्स करते हैं, ये जो पीछे जो बड़ा ब्लॉक दिख रहा है उनका रुकने का अरेंजमेंट यहाँ रहेगा। खाने पीने की सुविधा जो है हमारे हज ऑफिसर सलाम साहब उन्होंने की है, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आ जाए ये इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। डेफिनेटली जो है क्योंकि तकरीबन पिछले 30 साल से जो है सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस यहाँ की इंतज़ामिया झेल रही है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, लोकल पुलिस, CAPF और आर्मी उसमें चुस्त दुरुस्त रहती है। सिर्फ जो अमरनाथ जी यात्रा के लिए ही नहीं, इवन जो हमारी हज यात्रा है उसमें भी हम सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम का ख्याल रखते हैं, कोई उसमें डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी ऐसा मुझे पूरा भरोसा है।